पवन काजल द्वारा नूरपुर दौरे के दौरान उनके दिए बयान, जिसमें गुरु के बाद अब चेला नहीं चलेगा के बयान पर पलटवार करते हुए राकेश पठानिया ने उनसे पूछा कि पहले पवन काजल बताएं कि वो किसके चेले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी शांता कुमार के आशीर्वाद से ही भाजपा समर्थन के बाद 2 बार जिला परिषद जीते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा से टिकट न मिलने के बाद ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, इसलिए वो भी बयान देने से पहले अपने आप में झांके कि वो किसका प्रोडक्ट है। नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने कांग्रेस के कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी पवन काजल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पवन काजल बताए कि वो किसके चेले थे और नूरपुर दौरे के दौरान उनके दिए गए बयान, जिसमें गुरु के बाद अब चेला नहीं चलेगा, किसके बारे में कहा गया है। उन्होंने पूछा कि पहले पवन काजल बताए कि वो किसके चेले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी शांता कुमार के आशीर्वाद से ही भाजपा समर्थन के बाद 2 बार जिला परिषद जीते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा से टिकट ना मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, इसलिए वे कोई भी बयान देने से पहले अपने आप में झांकें कि वो किसका प्रोडक्ट हैं। उन्होंने कहा कि पवन काजल के पास भाजपा से टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने विधायक के रूप में कांग्रेस का दामन थामा था और आज वो कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि पवन काजल को यह नहीं पता कि अगर वो अपनी जमानत भी बचा पाएंगे कि नहीं। उम्मीदवार बन के हमारे बीच में आ रहे हैं और आज जो उन्होंने बयान दिया कि पहले गुरु और उसके बाद चेला, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपका गुरु कौन था, आपका राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई, क्या आप मूल रूप से एक संघ के स्वयंसेवक थे, क्या आप भाजपा के कार्यकर्ता थे, क्या भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए आप जिला परिषद का चुनाव 2 बार जीते थे, अलग अलग वार्डों से जीते थे, क्या आपने कांगड़ा से भाजपा की टिकट मांगी थी, उसके बाद ये बयान दें कि गुरु के बाद चेला नहीं चले। आपके हाथ में आई नहीं भाजपा की टिकट तो आज आप कांग्रेस का दामन पकड़ के लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रयास करें, जहां पे जमानत बचा पाएंगे या ना बचा पाएंगे इसका भी कोई पता नहीं चल रहा। इसके लिए मैं आज आपके बीच में बैठा हूं, जो मेरे पास दोनों मैनिफेस्टोज आपके सामने हैं, कांग्रेस विल डिलीवर विच विल नेवर डिलीवर, जो कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी नहीं वो डिलीवर क्या करेगी। मैं आपको उसकी फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूँ जो लोगों ने इनको साथ मिलकर मथा टेका, जो सेवा दल के कुछ कार्यकर्ता इनके सफ़ेद वर्दी में इनके साथ चल रहे थे, वही 15-20 कार्यकर्ता इनकी सारी मीटिंगों में गए, जो 5-6 जगह बैठ के एक बैठक दो बैठ के तो कैंसिल करनी पड़ी कि वहाँ पे कार्यकर्ता ही कोई नहीं थी, और जहाँ पे भी हुई है वहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनकी जो भागीदारी है वो 0 के बराबर। लोकल लोग कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, वो भी कि जहाँ पे इनके प्रधान हैं, जहाँ पे इन्होंने नरेगा के माध्यम से उनका दुरुपयोग करना, उन लोगों को बुला बुला कर वहाँ बताया। क्यों देखिए, आप कल आप नज़र घुमाएं कि जिस जिस पंचायतों में ये गए वहाँ पे कांग्रेस के प्रधान हैं, टोटल 90% जो है पंचायतें जहाँ पे ये गए वहाँ पे इनके प्रधान थे, और वहाँ पे उन प्रधानों के माध्यम से इन्होंने केवल नरेगा के अंदर और लोगों को गुमराह करने के माध्यम से उन लोगों को डरा धमका के बुलाने का प्रयास किया, फिर भी लोग 0 के बराबर आए हमारी पंचायतों में ना, और हमारे जो हमने जो विकास किया उसके सामने ये कुछ बोलने लायक नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में ये बात नहीं कर सकते, ये नूरपुर को जिला बनाने के बारे में बात नहीं कर सकते, इन्होंने विधानसभा में किए कुछ नहीं, इनकी परफॉर्मेंस विधानसभा में 0 है। ये ना नूरपुर की हक की लड़ाई नूरपुर की विधानसभा के अंदर हिमाचल की लड़ सके, ना ही नूरपुर की हित की कोई बात विधानसभा में बोल सके, ना ही धरातल में कोई चीज यहाँ पे आई। आज गांव-गांव में लुक पड़ रही है, गांव-गांव में सड़कें पक्की हो रही है, गांव-गांव में पानी के लिए हैंडपंप लग रहे हैं, स्कीमें नहीं बन रही हैं। आज कम से कम 90% गाँव में हमने पानी की व्यवस्था ठीक कर दी। पिछले साल हमारा ये हाल था कि हर गाँव में हमारे को लोग मारने पड़ते थे कि पानी 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 पानी, आज 90% गांव में 2-3 गांव को छोड़ के मैंने हर गांव में पानी की व्यवस्था ठीक कर, और पिछले 5 साल ही पानी क्यों नहीं मिला, पिछले 5 साल केवल नलकों के ऊपर टूटियों पर टूटी लगती कि पानी क्या अगोमोडेशन का या पानी के सोर्स को मैनेज करने का कोई प्रावधान नहीं किया। आज हमने उसको प्रावधान किया, हमने उनके नए सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, उनको रिचार्ज किया, हमने उनकी अगोमोडेशन की है, हमने उनके अंदर नई स्कीम्स डाली हैं, नई पाइप्स डाली हैं, नए सोर्सेज को डेवलप किया, और आज पानी की व्यवस्था अगले साल तक तो मैं इस बात के ऊपर आज डंके की चोट पर बोल सकता हूँ कि पूरे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में दिन में 2 बारी पानी दूंगा, और अगर भगवान की कृपा रही तो नूरपुर शहर को 24 घंटे पानी देंगे। ये अगले 1 साल के अंदर हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा, जिसके लिए हमने व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, धन की व्यवस्था, स्कीम्स की व्यवस्था, DPRs की व्यवस्था, इनकी अप्रूवल की व्यवस्था, ये सब कुछ हमने करवा ली, वो हमने सब कुछ 1 साल के अंदर करवाया। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें 1 साल के अंदर लेकर आए, 200 बेड का हॉस्पिटल हमारा आ गया, इंडस्ट्रियल पैकेज हमारा आ गया, इंडस्ट्रियल पार्क हमारा आ गया,
जसूर का बस स्टैंड आ गया, सदवा में थाना खुल गया, क्या काम नहीं हुआ। इसलिए मेरा निवेदन है, नूरपुर के लोग बेवकूफ़ नहीं, जनता गुमराह नहीं हो सकती। केवल आप देश को टुकड़े करने के बाद के ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकते, लोग इसका करारा जवाब दें। उन्होंने कहा कि पवन काजल के नूरपुर दौरे पर मात्र चंद कार्यकर्ता ही एकत्रित हुए थे, जो ये दर्शाता है कि कांग्रेस का नूरपुर में क्या आधार है। राकेश पठानिया ने कहा कि मात्र सवा साल में उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सहयोग से इतना विकास करवाया है कि उसका फल भाजपा को वोटों के रूप में मिलेगा। ऐसा कोई वर्ग नहीं हिमाचल प्रदेश में जो इस संकल्प पत्र में हमारा कवर नहीं हो रहा। ये एक ऐसा संकल्प पत्र है जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश एक नई ऊंचाइयां छू पाएगा, क्योंकि दिल्ली में भी हमारी सरकार बनेगी, हिमाचल में हमारी सरकार है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल सरकार बहुत तेजी से आगे विकास बढ़ा रही है, और नूरपुर से लेकर हिमाचल के एक एक कोने तक जो है ये विकास अब नई भाजपा की सरकार जो दिल्ली में स्पष्ट बहुमत की बनने जा रही है। ये दोनों जो है घोषणा पत्र आपके सामने है, एक घोषणा पत्र टेररिज्म को सपोर्ट करता है और एक देश की सुरक्षा को सपोर्ट करता है। इसका फैसला देश करे। इसके बारे में जो है ये दोनों संकल्प पत्र पढ़ के कोई भी एक सच्चा भारतीय सच्चा हिंदुस्तानी इस बात को तय करने में उसे एक मिनट नहीं लगेगा कि वो किसको वोट देना चाहेगा। क्या वो भारत को जोड़ने के लिए वोट देना चाहेगा या भारत को तोड़ने के लिए वोट देना। ये जो हमने कश्मीर के बारे में जो आज संकल्प पत्र भाजपा का बोल रहा है उससे हमारा एक्सेस भारत का पूरा कश्मीर पे होगा, और कश्मीर केवल एक टेररिज्म स्टेट बनने के रह गया इस स्पेशल जो स्पेशल उनके लिए धाराएं हैं उसके माध्यम से। वो उसको उसकी कश्मीर के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, वो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कर रहे हैं। और ये पहली बार आज प्रधानमंत्री ने इतना बोल्ड स्टेप लिया है कि अब कश्मीर भारत का एक अंग होगा और हर भारतीय वहाँ पर जाके बस सकता। रही बात इसी बात की कल्पना हिमाचल से करने का प्रयास करें तो हिमाचल में ऐसा लॉ नहीं है जो कि कश्मीर में। कश्मीर का झंडा अलग से है, कश्मीर का मैनिफेस्टो, कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग से है, कश्मीर का सारा सेटअप अलग से है। हमारा चुनाव 5 साल का, उनका चुनाव 6 साल का, उनके 2 झंडे, उनका राष्ट्रीय ध्वज अलग से है, कश्मीर का ध्वज अलग से। ये ऐसा इस पूरे देश में नहीं चलेगा। अब एक देश में एक ध्वज, एक देश में एक एम्बलम, एक देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का। इसके बारे में कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही। कांग्रेस तो सगो आर्मी को कमजोर करने की बात बोल रही, कांग्रेस तो भारत की सेना के हाथ काटने की बात बोल रही, कांग्रेस तो भारत की सेना के के फोर्सेस को डिमोरलाइज करने की बात कर रही। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो 2 संकल्प पत्र हमारे सामने आए हैं, एक कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया, जो हमारा संकल्प पत्र आया, उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नया विजन हमारे सामने आया है, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नई उम्मीद हमारे सामने जागी है। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश के एक एक बच्चे को हम ये कॉपी संकल्प पत्र की पहुंचा रहे हैं, ताकि निर्णय पढ़ लिख के वो कर सके और एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए और किशन कपूर के माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार को हम और बल दे सके। यही आज मैं आपसे निवेदन करूंगा।